सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्ले टू गेदर सीरीज। तो पिछली वीडियो में हमने इस मैप के बारे में, इस गेम के बारे में पूरा देखा था। इस वीडियो के अंदर हम इस स्कूल के बारे में देखेंगे कि कैसे आप इस स्कूल के अंदर टास्क कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। तो आप जैसे एंटर करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एथलीट, टीचर, स्टूडेंट, ये सब। तो आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक मैप दिख रहा होगा छोटा सा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ढूंढने में दिक्कत होती है कोई भी क्लास से कुछ भी, तो आप वहाँ से पता कर सकते हो। और पहला जो पीरियड है वो आर्ट्स का, तो आर्ट्स में आप जैसे एंटर करोगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बैठे होंगे, क्योंकि उनको पता है पहले क्लास में लेट होता हूँ हमेशा, तो आज मैं लेट हूँ क्लास के अंदर। तो आज का जैसे पीरियड होता है, आप यहाँ पे बहुत सारे कलर्स मुझे मतलब सेपरेट करना है, ब्लू को ब्लू, ग्रीन पे ग्रीन, और येलो को येलो। तो ये आपको एक विदिन अ टाइम लिमिट करना है, और इस टाइम लिमिट के लिए जितनी जल्दी करोगे आप उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलेगा। तो मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ, पर क्योंकि मैं बहुत पहले लेट आता हूँ, मतलब थोड़ा टाइम स्टार्ट होने से बाद आता हूँ, तो मुझे थोड़ा सी मिलता है, क्योंकि मुझे अच्छा मेरी जो स्पीड थी वो ठीक ठाक थी इसके अंदर। जो भी क्लास होता है उसके बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा, तो ब्रेक मतलब शायद एक मिनट का होता है ब्रेक, या तो ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हो एक्स्ट्रा, या किसी से बात कर सकते हो, या फिर अपनी क्लास में जाके जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पे जा सकते हो। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास है वो कुकिंग का है, तो कुकिंग में तो आप बैठ नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको डेस्क दिखेंगे बहुत सारे, आप अपना एक डेस्क सेलेक्ट कर लो, इससे पहले पूरी पूरी सीट फिल हो जाए। तो मतलब कि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं किसी दिन बहुत सारे बच्चे हो, किसी दिन टाइम ना हो। तो इस गेम के अंदर जो दिन और जो नाइट होता है वो मतलब बेस डिपेंड करता है, मतलब मैंने अभी यहाँ तक क्लियरली नोटिस नहीं करा, पर मुझे लगता है आधे घंटे मैक्स है, एक घंटे के अंदर दिन होता है, एक घंटे के अंदर रात होता है। तो मतलब एक घंटे का टाइम रहता है वो, और रात होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम पे होती है, तो इसलिए दिन का जो टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे जैसे डेस्क के बहुत सारे कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके से कट रहे हैं, मास्टर शेफ बन रहे सारे सारे। तो यहाँ पे टास्क स्टार्ट हो चुका है कुकिंग के अंदर, आपको उसको असेंबल करना है। देखने में सर वेजिटेबल था, पर यहाँ पर कैंडीज वैंडीज आ चुका है, तो आपको उसको असेंबल करना है इस स्पीड में, और जितनी जल्दी करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिलेगा। तो इसके अंदर शायद मेरा पिछली बार सी था, तो इस बार शायद हो सकता है शायद बी आ जाए, बी तक मतलब मुझे याद नहीं क्लियरली, पर बी आता है इसके अंदर। तो वैसे मतलब लेवल बढ़ता रहेगा, और आपको जिसे विद इन अ टाइम लिमिट जैसे 40 सेकंड मतलब 1 मिनट 30 सेकंड आई थिंक टाइम मिलता है उसके अंदर करना होता है। मैंने 36-35 सेकंड अभी जो पीछे बैकग्राउंड आपको टाइमर दिख रहा होगा उस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो मेरे को बी प्लस मिलता है, नहीं बी मिलता है, तो बाकी बच्चों को बहुत सारे जो कुछ कुछ हैं फेल भी है, कुछ उसको ए भी मिला हुआ है। तो डिपेंड करता है कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर दो। अब जब भी ये होता है दो पीरियड के बाद आपको लंच ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक में आप जाके कैफेटेरिया में जाके अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, या फिर मेरी तरह खाली बैठ के कुछ खा सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, जो मेरे पास बैग में ऑलरेडी पड़ा होता है एक सैंडविच, रेड शायद चिली, हाँ चिली हॉट डॉग पड़ा होता है, वो मैं खा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं कैफेटेरिया के पास जाता हूँ यहाँ से ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए आपको जैसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मतलब आप कॉफ़ी ड्रिंक के लिए आपको सामने वाले जो सेकंड वो फीमेल है उसके पास जाना पड़ेगा, अगर कुछ खाना है टोमेटो पास्ता या फिर कुछ भी आपको यहाँ से ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ से मैं ऑर्डर करता हूँ 23 रुपीज़ का होता है, उसको मैं खाने चला जाता हूँ, मतलब अब आपस से बैठे खाना चाहिए, मतलब अच्छा वो होता है हैबिट, तो हम खा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर आप चाहो तो मतलब आप प्रिंसिपल जो भी है आप उसके रूम में जाके मस्ती भी कर सकते हो, प्रिंसिपल के सामने जाके बैठ सकते हो, लेट सकते हो, कुछ भी होता हो। तो जो आप रियल लाइफ में नहीं कर पाते वो थोड़ा बहुत इस गेम के अंदर कर सकते हो, टीचर को आप टीचर के सामने हंस सकते हो या फिर रो सकते हो। तो वैसे तो टीचर सारे मतलब प्लेयर्स ही होते हैं, डिपेंड करता है कि वो मतलब कैसे वो कर रहे हैं, टीचर एज अ टीचर मतलब कर रहे वर्क, या फिर क्योंकि टीचर जो स्टूडेंट होता है शायद वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी जो नेक्स्ट जो हमारा टास्क था वो कंप्यूटर वाला, तो कंप्यूटर के अंदर कैसे अजीब से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको वर्ड्स गैस जो वर्ड दिखेगा स्क्रीन पर आप उसको टाइप करना विद इन अ टाइम लिमिट, तो जितनी जल्दी आप करोगे उसके अकॉर्डिंग तो आपको रैंक मिलेगा। मतलब ये ऑलरेडी तो मैं बता चुका हूँ 2-3 बार, फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा मतलब स्पीड दिखाता हूँ अपनी, फिर भी मैं मतलब उतना कुछ खास नहीं कर पाता, शायद मेरे को बी प्लस मिलता है इसके अंदर, क्योंकि इतनी स्पीड करने के बाद जो लास्ट में जो होता है 10 सेकंड बचा होता है उसके अंदर दिक्कत ये होता है कि एक गलत वर्ड टाइप कर दोगे ना आप कुछ भी गलत, तो आपको दोबारा से वो पूरा वर्ड वापस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, अब लास्ट में फिर से एक ब्रेक मिनट मिलता है, और ब्रेक के बाद लाइब्रेरी का, तो लाइब्रेरी का तो गेट मुझे यहाँ तक याद है एंट्रेंस पे था, तो मैं वापस डायरेक्ट लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहले बहुत सारे बच्चे आए हैं अभी इस क्लास में, तो इससे पहले सीट फुल हो जाए तो इससे पहले लाइब्रेरी चला जाता हूँ। आपके डिपेंड है, आप अगर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, वापस जा भी सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको सारी क्लासेस लेनी, ये तो सिर्फ पैसे कमाने, अगर आपको पॉइंट्स कमाने हैं तो सॉरी मनी कमाने हैं तो आप यहाँ से आ सकते हो, टास्क कर सकते हो, या फिर बाहर पिज्ज़ा डिलीवर भी कर सकते हो, जो पिछली वीडियो में शायद मैंने करा था। अब यहाँ पे जो टास्क है लाइब्रेरी के अंदर वो आपको ब्लू पे, अगर वो ब्लू लिखा हुआ था उसमें ये नहीं आपको ब्लू पे करना, जिस कलर में उस कलर में करना था, तो उसमें मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी थी, मैं टॉप 10 के अंदर आ गया, और भी अच्छी स्पीड हो जाती अगर मतलब मुझे पता होता स्टार्टिंग में कि क्या करना होता। स्टार्टिंग में 2-3 गलत कर देते क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि क्या करना है इसमें। अब यहाँ पे होता टॉप 10 के अंदर पहली बार A+ या A मिलता है मेरे को फर्स्ट टाइम, मतलब इतने दिन से खेल रहा हूँ, शायद 1-2 वीक हो गया आई थिंक ऑलमोस्ट, तो अब तो तब जाके पहली बार मुझे क्लास के अंदर A+ मिला है। मतलब मोस्टली टाइम में जो स्पेंड करता हूँ वो फिशिंग पे करता हूँ इस गेम के अंदर, तो आप चाहो तो फिशिंग में भी जा सकते हो, या फिर आप अपना होम टाउन अगर चाहो तो डेकोरेट कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा एक लड़की मतलब 5 साल की बच्ची है, और उसके जो घर है मतलब नेक्स्ट लेवल में से, अब मुझे पता नहीं कहाँ से है वो या फिर सच भी है नहीं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा उसका घर। तो आप वहाँ पर अपना घर जो मेरा घर है वो काफ़ी सिंपल सा है,
उसका तो खैर काफ़ी हाई फाई, उसके अंदर आपको फिश पॉन्ड और किचन विचन सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं खरीद के रखी मैंने स्टोरेज के अंदर, तो मेरे पास किचन ही नहीं तो मैं कुछ बना नहीं सकता। अब जो लास्ट है ये अभी लास्ट आज के दिन का जो है वो मैथ्स है, तो मैथ्स तो वैसे ही मेरी बहुत वीक है, तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ जीतने का। मतलब टॉप 2-3 बार तो मैं टॉप 4 के अंदर रहता हूँ रैंकिंग के अंदर, पर जो लास्ट में जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला आता है ना तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। तो मैथ्स की जो क्लासेस थे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। तो अगली वीडियो में जो मेन फोकस रहेगा मेरा उस पर रहेगा हॉरर गेम पे, जो एक हॉरर हाउस है उसमें जाना और मॉल के अंदर जाना शॉपिंग भी सकता, तो उसमें और जो गेम्स हैं मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अगर और भी से रिलेटेड देखना तो आप वो देख सकते हो, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो दैट आपको पता चले कि अगली जो वीडियो है तो आप उसमें देख सको कि कैसे आप मतलब जो बाकी गेम्स उसको एक्सप्लोर कर सकते हो इस गेम के अंदर। तो इस गेम के अंदर बहुत सारे गेम्स हैं तो अभी मैं पूरा एक्सप्लोर नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे ज़ॉम्बीज पता नहीं क्या होता है, ज़ॉम्बी मतलब रात के टाइम ज़ॉम्बी आ जाता है, पता नहीं इसको क्या होता है, सारे बच्चों को छोड़कर मेरे पीछे पड़ा होता है शायद, इसलिए कि मेरे पास प्रीमियम आ गए। बस ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कुछ श्योर नहीं मेरे पास क्या क्यों पीछे पड़ा होता है ये। मतलब मैं इतना टर्न मार रहा था, मुझे लगता है मैं गेट के पास जाके जंप लास्ट गेट पर मारता पर वो मेरे को पकड़ लेता है, और जैसे पकड़ के कुछ होता नहीं आपको वापस गेम के बाहर कर देगा, होता तो शायद आपको पैसे कट जाएँ पर मुझे क्लियरली आइडिया नहीं। तो तब तक क्या क्लियरली आइडिया चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।